यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये आदिवासी लोग हैं यहाँ पर जो लगभग लगभग आप ये मान के चलो सालों से यहाँ रह रहे हैं और इन्हें वास्तव में आप मानिए तो लॉकडाउन क्या था ये कुछ समझ ही नहीं पाए। ये आप लोग यहाँ रहते हो ये आप लोग सरकारी मदद मिली अभी तक सरकार की तरफ से कुछ मिला है? नहीं। मैं आपको सरकारी मदद मिली है आपको? सरकारी नहीं मिली। नहीं मिली? नहीं मिली। सरकार का कोई भी बंदा आपके पास आया है? नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई किसी प्रकार की कोई जांच वगैरह हुई है? नहीं हुई। नहीं हुई तो यहाँ खाना पीना आपको कौन दे रहा है कैसे दे रहा है? खाना पीना जो तुम लोग दे रहे हो ये सामाजिक संस्थाएं जो आ रही है यही आपको दे रही है? ये सुबह शाम दे के जा रही है आपको? सुबह शाम। कोई सरकारी आदमी आया मदद? समझ नहीं आई। ये जो लोग मदद दे रहे हैं यही दे रहे हैं केवल? नहीं नहीं। सरकार का कोई आदमी आया क्या? कोई ना आया। दवाई ववाई मिल रही है आपको? खाती ना मिल रही दवाई ववाई खाती मिलती। कोई ना आ रहा? कोई ना आ रहा? कोई ना आ रहा। तो ये लॉकडाउन चल रहा है लॉकडाउन का मतलब मालूम है आपको का है? नहीं। ये आप लोग कितने पास पास बैठे हो इसमें दूरी बना के रखनी आपको मालूम है? आप लोगों को दूर दूर भी बैठना है। ये कौन सी संस्था से आप लोग? ऑल इंडिया सिख फॉर्म है उसकी तरफ से हम लोग ये सेवा कर रहे हैं और जिस दिन से ये स्टार्ट हुआ था बंद पहले दिन से हम लोगों ने मन में ठानी थी कि भूखा कोई उठेगा पर भूखा सोने नहीं देंगे और वाहेगुरु की कृपा से हो भी यही रहा है। कोशिश यही हम सब भाइयों की कि कोई भूखा ना रहे। पर कितने लोगों की बस्ती है ये? ये करीब 400 से 500 लोगों की बस्ती है। 400 से 500 सुबह शाम यहाँ लंगर चला रहे हैं? हाँ जी यहाँ सुबह देते हैं शाम को हम कहीं और जाते हैं देने। शाम को कहीं और? तो लंगर में आप क्या क्या दे रहे हैं यहाँ पर? लंगर में दाल फुल्का पुलाव जो अच्छे से अच्छा बन पा रहा है वो। कल हम लोगों का माता का दिन था तो हमने पूड़ी चने हलवा पुलाव ये सब बनाया। सब कुछ बनाया था। तो शहर भर में कितनी जगह आप लोग जा रहे हैं? अभी तो कोशिश यही हमारे भाइयों की 4 से 5 जगह जा रहे हैं जो है अभी ये यहाँ समाप्त करके अब शाम का ये लंगर ये हमारे लकी भाई है। कहाँ से कहाँ जाएंगे अब शाम का लंगर आपका? सर हम लोग यहाँ पे पहले आदिवासी बस्तियों में आते हैं उन बस्तियों में हम सब मिल करके जाते हैं 12-15 लोगों की 2 लोगों से स्टार्ट करते करते आज 12-15 लोग हैं हमारे पास। इसके बाद हम रात को 10 बजे तक अपनी सेवाएँ करते हैं। इसके बाद हम रायरू की तरफ जाएंगे हाईवे पे जहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद दिखेगा हमने कुछ बस्तियाँ चिन्हित की हुई हैं वहाँ पे रेगुलर हमारा 4 बैच में लंगर बनता है। ये सन्नी भाई साहब हैं ये भी पूरी टीम के साथ चल रहा है ये आप मुझे बताइए कितने लोगों की टीम होगी आपकी टोटल? नहीं हमारे एक्चुअल में सभी जैसे हमारे राजू जी बड़े भाई हैं ये अलग कितने लोग होंगे आपके साथ? हम से 15-20 जने हैं और सभी जनों ने पहले दिन से जो मोदी जी ने आह्वान किया है जो 25 दिन का लॉकडाउन जो अभी इस समय कोरोना का महामारी चल रही है उसको देखते हुए मद्देनजर जो बहुत लोग हैं जिनका कुछ रोजगार अभी बंद है और हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जाके पहुंच सकते हैं उनका रोजी रोटी की व्यवस्था कराएं और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको साबुन है कभी कुछ आज राजू जी साबुन लाए और मैं भी एक्चुअल में इन्होंने अलग किचन बनाया आज आप लोगों ने साबुन वगैरह दी है साबुन दिए बिस्किट के पैकेट वगैरह दिए जी सर खाना पीना सर क्योंकि हम लोग आ रहे थे हमें रोज लग रहा था कि यहाँ बच्चे जो है ज़्यादातर नहा ही नहीं है तो कल हम इनको बोल के कहते हैं कि बेटा आपने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है इसमें जो है और आप लोग रोज नहाइए और अपनी कम से कम 3 से 4 फीट की दूरी बना के रखिए। वास्तव में जरूरतमंदों को मदद क्या होती है कोई सिख समाज से पूछे ये लोग सेवा भी करते हैं और पता भी नहीं लगने देते हैं कि इन्होंने सेवा किस जगह की है कहाँ की है और क्या की है। अगर आप भी जरूरतमंदों को मदद करना चाहते हैं अगर आप बस्तियों में नहीं पहुंच पा रहे तो अपने गली मोहल्ले में देख लीजिए कौन गरीब परिवार है जो रोज कमाता है और रोज खाता है आप उस परिवार की मदद करके भी एक सेवा का कार्य कर सकते हैं। वो कहीं ऐसा ना हो वो परिवार प्रशासनिक मदद का इंतजार करके कहीं भूखा ना सो जाए। भूखा नहीं सोने दीजिए आप अपने घर के आसपास कोई परिवार को चिन्हित कर लीजिए उसकी जो जरूरतें हैं उसके खाने पीने का सामान वो आप ध्यान रखिए। अगली अपडेट के लिए मैं आपके पास पुनः आऊँगा फिर से जुड़ूंगा
तब तक के लिए मैं शिरीष गुप्ता गुड्डू AMC न्यूज के साथ।